यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बिटसेट का क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चंस को। और मैं फिर बोलूंगा आपको कि मिसगाइड मत होइए, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आप बिट्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट कई लोग केवल बिटसेट को भी टारगेट करते हैं। आप में से जितने लोग बिटसेट को टारगेट कर रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से फोकस करें, फाउंडेशन अच्छे से करें। क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए एक बेस को स्ट्रांग करना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी द पॉइंट पी डिवाइड डी सी इन द रेशो 1/2 एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इफ ए बी प्लस 2AD प्लस बी सी माइनस 2DC इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पी क्यू देन के इक्वल टू बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने का कोई भी तरीका हो सकता है। सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटर मानना जरूरी नहीं कि आप क्वाड्रिलेटर, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है समझ लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसका आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप पोजिशन वैक्टर लेके भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, इन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ पॉइंट पी डिवाइड डी सी इन द इन 1:2 रेशो राइट एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है राइट। अब आपको ये बताना है ए बी प्लस 2AD ये दिया हुआ इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पी क्यू, तो आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ के। एक काम ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इसका पोजिशन वैक्टर ले लिया ए, इसका पोजिशन वैक्टर ले लिया बी, इसका पोजिशन वैक्टर ले लिया सी, इसका पोजिशन वैक्टर ले लिया डी। ऑब्वियसली क्यू का पोजिशन वैक्टर क्या होगा, ए प्लस सी बाई टू बाय बिकॉज डिवाइडेड इन मिड पॉइंट। पी का पोजिशन वैक्टर मैं बोलूँ तो आप बोलेंगे सी प्लस 2D सेक्शन फॉर्मूले से बाय 3। अब ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे, ये बी माइनस ए प्लस 2D माइनस ए, चाहो तो आप इसको ओरिजिन भी मान सकते हो। अगर आपको थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी है तो आप बिल्कुल इसको ओरिजिन मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी माइनस ए प्लस सी माइनस बी माइनस 2 बी सी के बाद देखिए डी सी है तो डी सी हो जाएगा सी माइनस डी। दिस इक्वल टू के टाइम्स ऑफ पी क्यू, पी क्यू तो क्यू माइनस पी होगा, तो आप ऐसा लिखेंगे ए प्लस सी बाय 2 माइनस सी प्लस 2D बाय 3। अब देखिए एक चीज समझ में आती है देख के कि ये पूरा सॉल्व होके कितना मिलेगा 6, यानी k बाय 6 आएगा, दोनों इक्वल करना है। अब आप देखिए सॉल्व करिए, सबसे पहले याद रखिए कि पूरे पूरे a एक साथ ले लेते हैं, जैसे अभी मैं लिख लेता हूं स्टेप b माइनस a प्लस 2d माइनस 2a प्लस c माइनस b माइनस 2c माइनस 2d इक्वल टू k बाय 6, बोलिए 3a प्लस 3c माइनस 2c माइनस ऑफ 4d। अब देखिए क्या होगा, यहां पर जो जो टर्म एक साथ हो रहे हैं, सबसे पहले a देख लीजिए 1 और 2 माइनस ऑफ 3a, यहां पर कितना है देखिए, यहां पर ही क्वेश्चन कैच कर सकते हैं आप, माइनस 3 और यहां पर प्लस 3, यानी k का वैल्यू माइनस 6 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सोचिए अगर k की जगह मैंने माइनस 6 रख दिया तो माइनस 6/6 माइनस 1, यहां मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3, मतलब आप इतने के बाद भी आंसर देने की कंडीशन में आ गए। पूरा करेंगे बट और नन ऑप्शन है नहीं, तो आप यहां पर आंसर दे सकते थे माइनस ऑफ 6 राइट। इसका एक ओरिजिन भी मान सकते थे पोजिशन वेक्टर, आप पूरा कर लीजिए। अब देखिए बी से तो बी कैंसिल हो गया, फिर सी पे आइए तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये देखिए कितना है माइनस 2c राइट, और यहां पर ये हो जाएगा सी माइनस बी, यहां पर कितना है ये चेक कर लीजिए। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहां पर ये है माइनस 2c प्लस c तो मिलेगा माइनस ऑफ c, फिर d पे आइए तो d कितना हो जाएगा, ये है प्लस 2d और ये भी प्लस 2d है, ये प्लस लिखना था, यानी प्लस ऑफ 4d राइट। अब यहां पर देखिए k बाय 6 ये मिलेगा 3a प्लस c माइनस 4d। अब ध्यान दीजिए इसका और इसका रिजल्ट देखें तो देखिए ये 4 माइनस 4, ये माइनस सी, ये प्लस सी, ये माइनस 3 है प्लस 3, इसलिए k की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 6 राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ m1 m2 m3 एंड m4 आर रिस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a1 इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k, a2 इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k, a3 i प्लस j माइनस k एंड a4 माइनस i प्लस 3j प्लस k, देन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड m1 m2 m3 m4, इस तरह के ऑप्शंस दिए। सिंपल क्वेश्चन है, आप सबसे पहले देखिए m1 क्या होगा, दिस इज मॉड a1, ये होगा
रूट ऑफ 6। एम टू क्या होगा, दिस इज मॉड ए टू, दिस इज रूट 16, 32 प्लस 9 इज 41। एम थ्री क्या होगा, मॉड ऑफ ए थ्री, दिस इज रूट ऑफ 3 एंड एम फोर इज मॉड ऑफ ए फोर, देन रूट ऑफ 11। अब ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा ये होगा, यानी एम फोर, एम टू इज ग्रेटर देन एम फोर इज ग्रेटर देन एम वन एंड ग्रेटर देन एम थ्री, राइट। आप कोई भी ऐसा भी लिख सकते हैं, एम थ्री लेस देन एम वन, लेस देन एम फोर, लेस देन एम टू, यानी सबसे बड़ा एम टू होगा। बाई चांस ऑप्शन ए देखिए वही है, उसी यही करेक्ट आंसर हो गया। यानी आपको केवल इनके मैग्नीट्यूड निकाल के ये देखना था कि किस ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना था, राइट। नो डाउन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ टेट्रॉन हैविंग एजेस आई प्लस टू जे माइनस के आई प्लस जे प्लस के आई माइनस जे प्लस लेमडा के इज 2/3 क्यूबिक यूनिट देन लेमडा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्रॉन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्रॉन होता है 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है 2/3, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया ये 12/3 यानी 4। तो अब आपको एक तरह से ए बी सी को 4 यूनिट से कंपेयर करना है। तो अब ए बी सी क्या है, तो 1, 2, -1 देन 1, 1, 1, 1 -1 लेमडा, दिस इक्वल टू 4, राइट। क्या होगा देखिए, यहाँ होगा लेमडा प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस लेमडा माइनस 1 इंटू -1 -1, राइट, दिस इक्वल टू 4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब देखिए क्या होगा, ये लेमडा प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। देखिए 4 से 4 कैंसिल, अब यहां पर मिला लेमडा इक्वल टू 1, तो दिस इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, इफ एक्स इज अ बाइनोमियल वेरिएट, रेंज है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड पी एक्स इक्वल टू 2 = 4 टाइम्स ऑफ पी एक्स इक्वल टू 4 देन पैरामीटर पी ऑफ एक्स। अभी सिंपल क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जिसका फॉर्मूला आर के लिए होता है एनसीआर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो एन 6 हो गया, तो 6c2 पी का स्क्वायर इंटू क्यू पावर 4 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 6c4 पी पावर 4 क्यू पावर 2। अब देखिए 6c2 6c4 के इक्वल होता है, बिकॉज एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। अब ये मिला आपको पी स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4p2। आपसे पी पूछा है, क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 - p का होल स्क्वायर इक्वल टू 4p2, देयरफॉर 1 - 2p प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 4p2। ये पी की क्वाड्रेटिक बन गई, 3p2 प्लस 2p - 1 इक्वल टू 0, राइट। इसके फैक्टर बन गए 3p + 1 एक p - 1, बैलेंस करके देख लीजिए। देखिए 3p2 प्लस p - 3p, यहाँ पे गड़बड़ है, तो 3p - 1 p + 1, दिस शुड बी 0। अब इसका मतलब p = 1/3 p = -1, p - 1 हो नहीं सकता, तो p की वैल्यू 1/3, दिस इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन 3x + 2y = 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इससे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2x - 3y = λ एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। तो सिंपल इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई मिलेगा, जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, जिससे आप लेमडा निकाल सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। एक्स सेम था इसलिए इमीडिएटली मैंने ये लिया, तो 5y = 5 देन y = 1, y का वैल्यू 1 रखा, तो ये मिलेगा x की वैल्यू -2। इसका मतलब -2 तो -4 - 3 लेमडा -7 यानी 2x - 3y + 7 = 0 इज राइट आंसर। किसी भी तरीके से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन,